बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फिदा हुसैन, और एक मरतबा फिर से आप सबको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं वीड आई क्यू एक्सटेंशन के बारे में कि बेसिकली ये है क्या चीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम आज वीड आई क्यू एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और किस लिए यूज़ होती है। अगर आप देख सकें कि मेरी वीडियोस में, जैसे मैं कोई और वीडियो प्ले करता हूँ या कोई भी वीडियो मैं एक और वीडियो प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कैरी मिनाटी के चैनल की एक वीडियो प्ले करी है और साथ में मेरे पास कुछ ये चीज़ें आ गई हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये वीड आई क्यू एक्सटेंशन है जो कि आपको बताती है कि इसका वीड आई क्यू स्कोर क्या है और इसको एक घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, टोटल व्यूज़ कितने हैं, इंगेजमेंट्स कितनी हैं और सब्सक्राइब ड्राइवन कितनी है और इसकी अर्निंग कितनी है इस वीडियो की। और उसके अलावा जो ये व्यूज़ के हिसाब से अर्निंग बताता है, 1 मिलियन व्यूज़, मतलब इसने व्यूज़ काउंट करें और उसके हिसाब से आपको अर्निंग बता रहा है कि इसकी अगर हिसाब लगाया जाए तो 2,753.68 डॉलर अर्निंग है। उसके अलावा SEO स्कोर बता रहा है 15 है 100 में से, क्रिएटर सजेस्टेड वर्ड्स पर मिनट और 6 डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट, 1000 रिफर्स, 61 इम्बेड स्कोर्स और चैनल जो है 21,29,000 डॉलर जो है मंथली रेवेन्यू कमा रहा है व्यूज़ के हिसाब से, लेकिन होगा थोड़ा सा कम ही। और टोटल व्यूज़ जो है 123 मिलियन है, एवरेज डेली व्यूज़ के 200 व्यूज़ और 14.2 मिलियन लास्ट 3 डेज में इसको व्यू मिले और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 3,581 जो हैं एवरेज डेली सब्सक्राइबर की है और 1,07,400 सब्सक्राइबर लास्ट 3 डेज में मिले। और ये इस वीडियो के टैग हैं, ये चैनल के टैग्स हैं। तो दोस्तों, वीड आई क्यू में आप हर चीज़ जान सकते हो जो कुछ उसके चैनल में है, कितनी अर्निंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये फ्री एक्सटेंशन है, इसका एक पेड है, पेड में बहुत से और फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो कि मतलब पेड में है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग के लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये देखें, यहाँ पर सिर्फ हमें ट्वीट्स के बारे में बता रहे हैं और ट्रेंडिंग में अगर फिर आते हैं तो नहीं बता रहे। तो ट्रेंडिंग के लिए हमें वो इसका जो है पेड वाला वर्जन हासिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है। हमने क्या करना है, अपने क्रोम में जाना है और लिखना है वीड आई क्यू एक्सटेंशन फॉर यूट्यूब, या फिर आपने क्रोम वेब स्टोर में आकर लिखना है वीड आई क्यू एक्सटेंशन और इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन आ जाएगा और थोड़ी सी देर लगाएगा लेकिन उसके बाद वीड आई क्यू एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, ऐड टू क्रोम और अभी ऐड हो जाएगी। हमने वेट करना है यहाँ पर, ये देखें हमारे पास वीड आई क्यू के एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमसे ये लॉगिन मांगेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो दोस्तों, मैंने अपना जो है लॉगिन कर लिया है। तो ये देखें यहाँ पर लॉगआउट का बटन भी आ गया, इसका मतलब है कि अब मेरी जो वीडियो का एक्सटेंशन है ये दूसरे क्रोम में लॉगिन हो चुकी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हो चुके हैं, नहीं हो चुकी। तो अभी हम एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये देख लेते हैं और अभी पता चलेगा। ये देखें हमारा ये दूसरा एक क्रोम तो ये है और दूसरा ये है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो में है क्रोम एक्सटेंशन लग चुकी है। तो इस तरह से आप क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस अगर किसी बात की समझ ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।